चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए क्या समझना है आप सबको वो देखिए, एपी 10-7-4 का तीसवां पद क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, फॉर्मूला अप्लाई तो कर लेंगे लेकिन आखिर इसमें कौन क्या है ये पहचानना है। तो सबसे पहले प्रथम पद, ठीक है, तो प्रथम पद हो गया 10, ठीक है। तीसवां पद, तीसवां लिखा हुआ है तो जहां वहां लिखा रहेगा वो क्या है, वो है आपका एन, ठीक है, वो क्या है आपका एन। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं तो आपको पता है, डी कैसे निकालते हैं तो डी का मैं आपको बता देता हूं। चलिए पहले मैं बनाना स्टार्ट करता हूं, तो दूसरा का मैं पहला बना रहा हूं, चार ऑप्शन है यहां पे आप देख लें। तो पहला है एपी क्या 10-7-4... का तीसवां पद, यही है ना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम पद, तो ए क्या हो गया 10, डी निकालना है, डी कैसे निकालेंगे तो डी निकालने का सूत्र है a2 - a1, ठीक है। a2 a1 अब क्या हुआ ये भी है, तो इसे बोलते हैं a1, इसे बोलते हैं a2, इसे बोलते हैं a3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a2 इस बार क्या आ गया 7, तो 7 दे देंगे। a1 क्या दिया गया है 10, तो 10 दे देंगे। उल्टा घटाएंगे तो d बराबर क्या हो गया -3। एक बार और घटा के देख लें, ठीक है, तो एक और फॉर्मूला लिख लें। मतलब सिंपल सा बात है, अगर चार स्टेप है मान लेते हैं और कुछ होगा, एक होगा, तो इसे बोला जाता है A1, इसे बोला जाता है A2, इसे बोला जाता है A3, इसे बोला जाता है A4, ठीक है। तो जब A2 में A1 को घटाएंगे फिर भी D निकलेगा, ठीक है, A3 में A2 को घटाएंगे फिर भी D निकलेगा जिसे सार्वंतर बोलते हैं, A4 में A3 को घटाएंगे फिर भी D निकलेगा, ठीक है। और तीनों का वैल्यू बराबर होगा तभी समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है, ठीक है। अगर D तीनों बराबर है तो वो समांतर श्रेणी के श्रेणी में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए यहां तो एक बार मैंने घटा कर देख लिया, A2 में से क्या घटा दिया, A2 में से A1 को हमने घटा दिया, तो 7 में -10 गया -3, और D बराबर A3 -A2, तो A3 क्या दिया हुआ है 4, A2 क्या दिया है 7, तो उल्टा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3, तो सही है, -3 यहां भी आया, -3 यहां भी आया। और जहां पे वहां लिखा रहेगा, मैंने जैसा बताया वहां लिखा रहेगा तो वो क्या है एन नंबर, ठीक है। तो 30 हो गया एन, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है an, ठीक है, क्या निकालना है an। तो दूसरा का पहला है, तो an का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, a+n-1 × d। चलिए an तो पता नहीं है, n पता है, n कितना पता है 30, a दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 10, एन कितना दिया हुआ है, एन खोजिए, एन खोजिए, एन एन 30 दिया हुआ है, ठीक है। तीसवां लिखा हुआ था ना, देखिए यहां तीसवां लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं पहला 30। और डी कितना दिया हुआ है, डी अभी मैंने घटाया A2 में A1 और A3 में A2, तो दोनों में क्या आया -3, तो यहां पे क्या दे देंगे -3। चलिए सिंपल इसे सॉल्व करते हैं, 30 में घटाएंगे 29 होगा, ठीक है, फिर A30 बराबर 10 प्लस प्लस और माइनस हो गया -29, गुना 3 करेंगे 87 हो जाएगा, ए गुना 30 करेंगे तो -++ कौन बड़ा है 87 बड़ा है, यहां माइनस देंगे 87 में 10 गया 77, तो A30 का वैल्यू कितना निकल गया -77, यानी दूसरा का पहला का आंसर आ गया सी नंबर, ये हो गया आपका दूसरा का पहला, सिंपल था, कुछ भी नहीं था, ए हो गया 10, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे तो 7 में 10 घटा देंगे या 4 में 7 घटा देंगे, सेम आएगा -3 - 3 आ गया। तीसवां लिखा गया है तो तीसवां लिख दिए, बाकी ये फॉर्मूला है अप्लाई कर दिए, तो आपका आंसर आ गया -77, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजिंग वाला कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। चलिए इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लिए, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीन शॉट ले लें या जो भी करें लिख लें। चलिए मैं इसे मिटाता हूं और दूसरे क्वेश्चन में बढ़ता हूं जो कि आपका ये वाला है, ठीक है, आई होप कि स्क्रीन शॉट आपने ले लिया होगा। चलिए मैं इसे रब करता हूं और दूसरा का दूसरा बनाता हूं, ठीक है, सिंपल है, दूसरा का दूसरा भी हार्ड नहीं है। तो ये रहा दूसरा का दूसरा, ये वाला क्वेश्चन, तो एपी क्या दिया हुआ है, ये हो गया सेकंड नंबर, एपी दिया है -3 - 1/2, ठीक है, 11वां पद दिया है। सबसे पहले ए क्या हो जाएगा, ए आपका हो गया -3, कोई दिक्कत नहीं है। डी क्या होगा, मैंने क्या बताया A2 में क्या घटाएंगे A1, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें गलती आप कर सकते हैं, क्या गलती करेंगे वो भी अभी मैं बताने वाला हूं आपको। A1 हो गया, A2 हो गया और A3 हो गया। देखिए A2 क्या दिया हुआ है -1/2, क्या दिया हुआ है -1/2,
टू, ठीक है। ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है, तो ये तो बाबू लिखना ही है, ठीक है। बाकी ए वन क्या है, ए वन क्या दिया हुआ है, -3, तो इस बेचारे का भी माइनस आपको छीनना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या करेंगे आप, डायरेक्ट लिख देंगे -1/2, अब -3, तो गलत क्वेश्चन बन जाएगा। तो फॉर्मूला वाला माइनस तो माइनस है ही, बाकी ए वन का माइनस क्या है, -3 है, ये 3 का तो माइनस है ना, तो 3 का माइनस उसे छीन तो नहीं लेंगे आप, तो इसलिए -3 लिख दिए, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, -1/2, माइनस और माइनस हो गया प्लस, आपको एलसीएम पढ़ा होगा, एलसीएम आराम से ले ले, 2 जिसे लघुत्तम बोलते हैं, 2 और 2 मिल गया, -1 उतार दें, और 2 × 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, और 6 चूंकि बड़ा है उसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा, 6 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5/2, एक बार डी आया 5/2। एक बार और निकाल के देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, तो अभी तो हमने A2 में A1 को घटाया, अब किस में घटाएंगे, A3 में A2 को घटाएंगे, तो D बराबर A3 माइनस A2, ठीक है, ये आप घटा के देख लेंगे, ठीक है। A3 हो गया 2, बाकी माइनस, फिर इसका फॉर्मूला का माइनस तो लिखना ही है, बाकी A2 के साथ भी माइनस है, क्या है, -1/2, तो ये -1/2 आप ब्रैकेट में दे देंगे, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, माइनस और माइनस हो गया आपका प्लस, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, 2 × 2 करेंगे हो जाएगा 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। देखिए डी के जगह पे यहाँ 5/2, डी के जगह पे यहाँ भी 5/2। 11वां पद दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 11वां, ठीक है। बाकी फॉर्मूला आपको पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन क्या दिया हुआ है, ए एन खोजिए जल्दी से, खोजना ही नहीं है, दिया ही नहीं है, तो ए एन रहने देते हैं। ए क्या दिया हुआ है, ए -3 पहला पद, -3। एन क्या दिया हुआ है, एन 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 खोजिए, 11 हो गया। डी कितना दिया गया है, डी अभी तुरंत निकाले, 5/2, ठीक है, बटे आएगा तो घबराना नहीं है इसमें कुछ, एन यहाँ पे आप बैठा दे तो ठीक लगता है, तो एन इस बार हम सबका 11 था तो 11 दे दे, ठीक है। तो ए 11 बराबर -3 प्लस, 11 में 1 गया 10, 5/2, चूंकि ये गुना में है तो आप इसे कटा सकते हैं, 2 × 5 = 10। आगे बढ़ते हैं, ए 11 बराबर -3 प्लस, 5 × 5 करेंगे हो जाएगा 25। अब बताइए 25 बड़ा है कि नहीं है, तो 25 बड़ा है, 25 का साइन क्या है, प्लस है, तो 25 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी ए 11 बराबर 22, आपका ऑप्शन नंबर बी में है 22, तो ये वाला दूसरा का आंसर बी और पहला का आंसर सी, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर हम सब बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी से।